संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में कार्डियो पल्मोनरी रिसर्च सेंटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसका 100 से अधिक छात्रों ने लाभ लिया है। ऐसी जानकारी राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर बीके शर्मा द्वारा दी गई। आपको आज एक बात बता दूं कि जिस तरह से ये जो कार्यशाला हो रही है, हमारे जो कम से कम 100 विद्यार्थी लोग हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। जिस तरह से ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है और ये दोनों सोसाइटी की तरफ से, यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ख़ास करके जो इंडियन एनेस्थेसियोलॉजी सोसाइटी है, उनके माध्यम से जो आज इस कार्यक्रम को हमने एक ऐसा स्थान दिया है कि लोग उससे वाकई में लाभान्वित हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ और जो शिक्षकगण भी आज वहाँ मौजूद हैं और वो भी इस प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे समय पर जब कभी ऐसा कोई मौका आए तो ये सब लोग किसी न किसी की जान बचाएं। धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, ये कार्डियो पल्मोनरी रिसर्चिटेशन जिसको बोलते हैं, जैसे एक बेहोश व्यक्ति को रिवाइव किस तरह से करते हैं ये बताया जाता है। ये प्रोग्राम हम बहुत सारे मतलब एवरी ईयर करते हैं और ये हमारा स्पेशल ईयर है क्योंकि प्लैटिनम जुबली ईयर है हमारा एनेस्थीसिया सोसाइटी जो नेशनल की है, और ऑफकोर्स अमृत महोत्सव यहाँ का इंडिया का तो है ही अपना, तो उस हिसाब से हमारा भी 75th प्रोग्राम है ये, जहाँ पे हम सिखा रहे हैं CPR। और अभी तक 7500 लोगों को हमने ट्रेन किया है ये साल भर में, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कोलैप्स होता है तो उसको जीवन संजीवनी किस तरह से देते हैं, मतलब उसको रिवाइव किस तरह से करते हैं, ये बताने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। डॉक्टर बीके शर्मा सर स्पेशली उन्होंने ये अरेंज किया है और हम लोग यहाँ पे आके डेमो दे रहे हैं। थैंक यू। आज आम्ही राष्ट्रीय संत तुकडोजी हॉस्पिटलमध्ये बेसिक कार्डियक लाईफ सपोर्ट म्हणजे जे आपले पॅरामेडिकल स्टुडंट, नर्सिंग स्टाफ या लोकांसाठी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम करतो आहे। याच्या अंतर्गत हॉस्पिटलच्या अंतर्गत आणि बाहेर त्यांना पेशंटचा जीव आपल्या दोन हातांनी कसा वाचवता येईल याचा आम्ही त्यांना ट्रेनिंग करतो आहे। थँक्यू। कुठलीही व्यक्ती जेव्हा बेशुद्ध होते तेव्हा एक चान्स असतो की त्याची हृदयाची गती बंद पडलेली असू शकते। अशा वेळेस काही मिनटातच जर त्याला प्रथमोपचार मिळू शकला तर त्याचे प्राण वाचवणं खूप शक्य असू शकतं। जनरली हृदय बंद पडल्यापासून 4 मिनटाच्या आत हृदय प्रक्रिया पुन्हा चालू करणं महत्त्वाचं असतं, कारण त्या दरम्यान मेंदूला रक्तप्रवाह पुरवठा पूर्ण सुरू होऊन त्याचं प्राण वाचवणं शक्य असू शकतं। तर आजची जी ही कार्यशाळा आहे CPR ची, कार्डिओ पल्मोनरी रिसिसिटेशनची, ती हेच शिकवते की या 4 मिनटात, या गोल्डन मिनिट्समध्ये हृदयाची प्रक्रिया कशी ताबडतोब चालू करता येईल। जनरली याच्यासाठी कुठल्याही डॉक्टरची आवश्यकता नसते, कोणीही ज्याला हे ज्ञान आहे की काय करायचं आहे तो डॉक्टर नसला तरी ही प्रक्रिया करू शकतो आणि प्राण वाचवू शकतो। थँक्यू। यहाँ पे हम हर साल ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन ट्रेनिंग इन बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स है पैरामेडिक्स स्टाफ, RST का स्टाफ और बाकी भी जो पेशेंट्स के रिलेटिव है, जो कीन है, वो भी आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। ये वर्कशॉप हर साल ऑर्गेनाइज होता है, इसमें इन IMA नागपुर ब्रांच और ISA नागपुर ब्रांच एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है हर साल, और इसमें 100 स्टूडेंट्स रहते हैं जो ट्रेनिंग के लिए रहते हैं, और वो सारा हमारा उद्देश्य वही है जो एनेस्थेसियोलॉजी सोसाइटी का है कि हर एक को कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन आना चाहिए, और हम लोग वही करते हैं, वर्कशॉप लेके हर बच्चे का डिटेल उससे खुद करवा लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि वो एक कम से कम एक तो भी लाइफ सेव कर पाए। थैंक यू।